खून के बारे में कल जानकारी है, वो कैसे एक्सपायर हुए थे? करोना में। करोना मूल की ड्यूटी कहाँ थी? आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आप लोगों को आपके घर में रहने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगी हुई, ताकि कोरोना की बीमारी ना फैले। तो हरियाणा पुलिस, इंडिया पुलिस ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। तब से लेके आज तक 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हेडक्वार्टर पे मनाया जाता है। अब हरियाणा पुलिस ने दो साल और हरियाणा गवर्नमेंट ने दो साल से ये फैसला किया है कि जो भी शहीद पुलिसकर्मी होगा उसके गांव में जाके 25 अक्टूबर को गांव में जाके मनाया जाएगा। अब ये इस गांव में हर साल मनाया जाएगा। इसके लिए गांव के सरपंच और स्कूल के हेडमास्टर और पुलिस मिलके, ये हमारी जो महान आत्मा थी जिन्होंने अपना जीवन देश के ऊपर न्योछावर कर दिया, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। आप जानते हो हिंदुस्तान कहाँ से, भारत कहाँ से शुरू होता है? कोई बच्चा बताएगा? शाबाश बोलो। कश्मीर से, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं शुरू होता, बताओ। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत हमारे आंगन से, हमारे घर से शुरू होता है, आप लोगों से शुरू होता है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए आपके माँ बाप, सरकार, हर आदमी आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्त है। टीचर पढ़ाते हैं आपका भविष्य बनाने के लिए, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में इस देश की बागडोर संभाल सकें। Perfume myself Tanu from plus 2 class. Now I sing a song. हिंद जगाने आए हिंदुस्तान जगाने आए हैं, हिंद आए हैं। उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, माने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंद जगाने आए हिंदुस्तान जगाने आए हैं, हिंद जगाने आए हिंदुस्तान जगाने आए हैं। अपना अस्तित्व पहचानो सृष्टि के रचियेता हम, हम ही सतयुग हम ही द्वापर कलयुग और त्रेता हम, हम ही सतयुग हम ही द्वापर कलयुग और त्रेता हम। हमने ज्ञान से दुनिया का ये दूर किया अंधियारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंद जगाने आए हिंदुस्तान जगाने आए हैं, हिंद जगाने आए हिंदुस्तान जगाने आए हैं। भारत माता की वंदे, जय हिंद। हमारे आज के विशेष अतिथिगण, पुलिस विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे सरपंच साहब, गांव से आए हुए अन्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों,
आप सभी ने स्काउट क्लब से स्वागत किया था। एक बार फिर से अतिथि गणों का जोरदार स्काउट क्लब से स्वागत कीजिए। सर ने ये तो हमें बताया ही कि आज से आपके गांव में शहीदी दिवस मनाया जाएगा। जिस गांव में जो भी हमारे अमर आत्माएं शहीद हुई हैं, उनके सम्मान पूर्वक सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है। देखिए, हम सभी को एक न एक दिन दुनिया से अवश्य जाना है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाकर जाते हैं। आना और जाना तो सबका तय है, आना और जाना तो सबका तय है। लाखों चले जाते हैं गुमनाम, लेकिन होते हैं कुछ महापुरुष ऐसे भी जो समय की रेत पर छोड़ जाते हैं अपने कदमों के निशान, अपने कदमों के निशान। हम सभी को इस संसार से जाना है, लेकिन देश के लिए शहीद होना एक हर हिंदुस्तानी का स्वप्न होता है। बचपन से ही बच्चा फौजी की टोपी, फौजी की ड्रेस सबको बहुत पसंद होती। किस किस को पसंद है बताओ? सभी को पसंद है, शाबाश। तो फौजियों के प्रति तो आपका सम्मान है ही, लेकिन पुलिस भी हमारी सेवा में दिन रात खड़ी रहती है। कितनी बार हम ये सभी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी कार्य हो, इलेक्शन का कार्य आ जाए, कोई व्यवस्था बनाने का कार्य आ जाए, यहाँ तक कि शहर में कोई भीड़ का कोई उत्सव ही हो जाए, हमेशा पुलिस विभाग ड्यूटी देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। जो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे पास एक ऐसा विभाग है जो हर वक्त हमारी सेवा के लिए तैयार खड़ा है, जनता की सेवा के लिए। और ट्रैफिक के लिए चौराहे पर जब आप लोग जाते हैं, हम सब लोग निकल रहे होते हैं, कोई अपनी गाड़ी में निकल रहा होता है, कोई स्कूटी में निकल रहा होता है, लेकिन उस वक्त केवल एक व्यक्ति व्यवस्था वहां पे बना रहा होता है। कौन बना रहा होता है? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, तो जो भी ड्यूटी इनको दी जाती है, ये बड़े ही सम्मान भाव से, समर्पण भाव से करते हैं। तो एक बार पुलिस विभाग के लिए जोरदार तालियां बजाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट है ही, उनकी व्यवस्था बना के रखना और भी इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्था कैसे बनाई जाए, सब कैसे सिस्टम से चले, क्या क्या। जैसे रोड सेफ्टी वाली जो इन्होंने पहल की हुई है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी आयु में 9 से 12 में व्हीकल चलाना सीख लेते हैं। कोई स्कूटी चलाएगा, घर पे बाइक चलाएगा, और बच्चों को बड़ा शौक भी होता है तेज स्पीड से चलाने का साधन। लेकिन रोड सेफ्टी का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया, शमशेर सर ने करवाया था, ये नोडल ऑफिसर थे हमारे स्कूल के, वो बहुत ही अच्छे बच्चों ने किया, और उसमें से बच्चों ने 30 में से 29 और 28 नंबर भी लेकर के स्थान प्राप्त किया था। तो जो ऐसी जागरूकता आप रखें कि हर किसी के प्रति, केवल ऐसे यो आपको दबके नहीं रहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और आज आपके पास जैसे अवसर आया है, सर ने कहा कि आओ बोलो, तो इसको एक समस्या नहीं मानना है बेटा आपको, इसको एक अवसर मानना है कि कैसे हम इस अवसर का यूज करके अपनी पहचान बना सकते हैं। एक छोटा बच्चा था जिसने 15 अगस्त पे कविता सुनाई थी, बहुत अच्छी। हाँ, इसने सुनाई थी। आओ बेटे, शाबाश, वेरी गुड, आ जाओ, बहुत अच्छी। छोटा बच्चा है, तालियां जोरदार बनती है भाई, शाबाश। मेरा नाम अंकिता, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपको आज देशभक्ति पोयम सुनाना चाहता हूँ। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाते कहते हैं, चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारे, पावन गंगा की धारा, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का पानी, हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीम सेन जो शिकसौर बिस्मिल्ला की सेनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिस पर गिरधर नागर नाचे वो मीरा के घुंघरू है, हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर है, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू। शाबाश बेटा, वेरी गुड। और किसी बच्चे की कोई इच्छा हो छोटी मोटी तो अभी पूरी हो जाएगी। आओ,
आशु आना चाहती है, शाबाश आइए, वेरी गुड। बच्चों की इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, जोरदार तालियां आशु के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले, आजादी के बदले जवानी लौटा दी, वतन के लिए जा की बाजी लगा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, हिंदू के बसिया वो मुसलमान थे, सलाम उनको जो जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो जिनकी वो संतान थे, राहों में हमसे की वो खो गए, राहों में हमसे की वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। लोहारी के बच्चों में ऐसी प्रतिभा है, उन्हें बस छोटा सा चैलेंज दे दिया जाए, वो उसको बहुत बखूबी निभाते हैं। शाबाश, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। वेरी गुड। और भी आना चाहते हो? मुस्कान आ रही है, शाबाश। 10th क्लास की लड़कियां बड़ी प्रतिभाशाली है। आओ बेटे, यहाँ पर उपस्थित सभी महान हस्तियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको देशभक्ति के ऊपर एक गीत सुनाना चाहती हूँ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी समी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पान सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जान सका। ओ वतनावे मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरजू। केसरिया ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो।
ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। शाबाश बेटा मुस्कान, वेरी गुड। ये बच्चों ने बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिससे हमारे विद्यालय की एक झलक अतिथि गणों को देखने को मिली। अब मैं हमारे आज के प्रधानाचार्य महोदय श्री अजय सर को निमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पे आए और अतिथि गणों का धन्यवाद करें। तो प्यारे बच्चों, जो प्रातःकालीन सभा आपके द्वारा आयोजित की जा रही विद्यालय में, उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड। चलो अब बात करते हैं हम देशभक्ति की। जरूरी नहीं कि भाई हर व्यक्ति बॉर्डर पर जाकर लड़े सैनिक हो, सिर्फ वही देशभक्ति की भावना हो। आप एक अच्छे नागरिक बनके भी देश के प्रति सम्मान अदा कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में, चाहे विद्यार्थियों की बात करो आपकी, चाहे बाहर किसी भी व्यक्ति की बात करूँ, संस्कार की बात करें, स्वदेश प्रेम की बात करें, इसकी निहायत कमी देखने को मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। तो देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कम से कम आप एक अच्छे नागरिक तो ज़रूर बनिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, स्वच्छता की बात करें हम, ये भी आपका देश के प्रति सम्मान दिखाने का एक नज़रिया है। और हम बात करते हैं हम भाई सरकार द्वारा चलाई गई ये शहीदों को सम्मान देने की जो मुहिम है, इसका तहे दिल से स्वागत मैं भी करता हूं और मेरे साथ पूरा विद्यालय परिवार भी करता है। और इसी के लिए मैं आज पधारे हुए हमारे विद्यालय में पुलिस अधिकारीगण चंद्रबान जी, सतीश लाठर जी और हमारे गांव के सरपंच सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरे विद्यालय को ये मौका दिया कि हम भी उस सम्मान करने की मुहिम में शामिल हो सकें। तो ज़ोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं तनु को। बेटा कम ऑन द स्टेज। ये जो अभी चारों बच्चे आए थे, बेटा आप भी आ जाओ। आशु, मुस्कान, कम ऑन द स्टेज। अभी हमारे चंद्रमान सर जी इनको सम्मानित करेंगे। चलिए पहले निशा कुमारी प्लस टू क्लास से कुछ सुनाएगी आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगी, ये देश नहीं मिटने दूंगी। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे, कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगी, ये देश नहीं मिटने दूंगी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे भारत के जैसा कोई देश नहीं, सिवा इसके मुझे कहीं रहना नहीं, सिवा इसके मुझे कहीं रहना नहीं।
जैसे है चांद सितारों में, मेरा देश 1000ों में। अच्छा एक बात और रहेगी कहनी, उस टाइम ध्यान नहीं थी, स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में कुछ नौकरियों को बेल्ट की नौकरी कहा जाता है, समझते हो बेल्ट? स्पेशल रूप से दी जाती है जिनमें से पुलिस महकमा है और फौज की नौकरी, ये नौकरी करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम हमारी बात करें टीचर की, भाई सुबह 8 बजे आए, 2:30 बजे छुट्टी होगी, घर चले गए परिवार के साथ, मौज मस्ती कुछ भी, इन लोगों की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है, 24/7 hours, कई कई महीनों तक, चाहे फौज की बात करें पुलिस महकमे में, खासकर विशेषकर कोरोना काल में ये लोग हमारे लिए अपने घरों से दूर रहे थे। सिर्फ एक कॉल पे इन्हें क्या पता रात के 2 बजे उठ के पहुंचना पड़े, तो ये जो बेल्ट की नौकरी है बहुत मुश्किल है करनी, और सही कहूँ सच्चे मायनों में जो देशभक्त हैं यही लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं इनके सामने फिलहाल। चलो बच्चों ये बताओ इनमें से सबसे अच्छी कविता कौन सी लगी आपको? बड़ी अच्छी बात, जिसको जो अच्छी लगी वो अपने विचार बता दिए उन्हें, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये पांचों कविताएं बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, ये पांचों बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आप लोग भी तो सुना सको थे, किसी ने मना किया था, फिर क्यों नहीं आए आगे, डरते हो, किस चीज से डरते हो? अपने घर में बैठे, अपने स्कूल में बैठे, अपने आदमियों में रहे, तो किस चीज का डर है बताओ? ये टीचर हर रोज यहीं रहते स्कूल में आपके पास, ये बच्चे सभी, तो किस चीज का डर था? तो आप लोग भी कुछ ना कुछ करो, भविष्य में रखोगे ध्यान। चलो बड़ी अच्छी बात, तो ये पांचों बच्चे इनाम के भागीदारी हैं, इनको इनाम मिलना चाहिए। चलो आप लोग सहमत हो? चलो बड़ी अच्छी बात, आओ जी मैडम इनको इनाम दो।